ये देखो मम्मी चिपकली सुन दे यार, मम्मी चिपकली इतनी मोटी इतनी बड़ी चिपकली में डर रही है, मार डंडा ऊपर, डर के गिर गई बाहर गिर गई हाँ जी, आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। राधा रानी आप सबका भला करे, शुरुआत मेरी माँ से करे। अरोड़ा जी नाश्ता कर रहे हैं अभी रेडी होकर, मूली के परांठे और दही। देखो फ्रेंड्स, हम शॉप पर आ गए हैं, आ रहे हैं बड़े गुरुद्वारे हैं, आज गुरु पूर्णिमा है, माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। आप भी चलिए मेरे साथ और दर्शन कीजिएगा गुरुद्वारे। देखो हम गुरुद्वारे पहुंच गए हैं, यहाँ पर इतना अच्छा मेला लगा होता है। जैसे हम बचपन में मम्मी पापा के साथ मेले पर जाते थे ना, ये सारे खिलौने, ये फुग्गे, छोटी छोटी गुड़िया, डॉल, इतना मज़ा आता था। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं यहाँ आती। और ये हमारे गुरुद्वारे का मेन गेट, दर्शन कीजिए हमारे गुरुद्वारे के। और इतनी भीड़ है, इतने भक्त आए हुए हैं यहाँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए, बाबा जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए और सेवा करने के लिए। यहाँ जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं इतना अच्छा लगता है, हमें ऐसे लगता है हम अंदर जाते ही सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऐसे लगता है जैसे हम स्वर्ग में पहुँच गए। इतना आनंद प्राप्त होता है। बाबा जी के दर्शन कीजिए, देखिए हमने भी यहाँ माथा टेका और बाबा जी के माथा टेक कर उनके दर्शन प्राप्त करें। और ये देखो मेरे माथे पे फूल लग गया, यानी मुझे आशीर्वाद मिला बाबा जी का। और यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, मन ही मन शांति में घूम गई हूँ मैं, झूम रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको दर्शन करते हुए बाबा जी के, बताइएगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में। और फिर हमने इस गुरुद्वारे की पूरी परिक्रमा करी और परिक्रमा करके फिर हमने आगे ध्वज आया। ये देखो ये ध्वज की पूरी परिक्रमा करी, ध्वज की परिक्रमा करके गोल गोल चक्कर काट के हमने प्रसाद लिया। देखो इतना टेस्टी प्रसाद था, पूरा देसी घी का भरा होता है, इतना टेस्टी, दिल करता है बस खाते जाए खाते जाए। और फिर हम लंगर करने आए नीचे, लंगर देखो प्रसाद इतना अच्छा था। प्रसाद में था हमारे राजमा वाली दाल, आलू मटर पनीर और खीर और रोटी। ये देखो छोटे छोटे सिख यहाँ पर सेवा करते हैं, पंजाबियों में छोटे छोटे बच्चों को ही सेवा करना सिखाते हैं। और फिर मैंने भी सेवा करी रोटी की, प्रसादम प्रसादम ले लो, प्रसादम ले लो, जल्दी जल्दी ले लो। प्रसाद बांटते समय में बोलते हैं वाहेगुरु 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 वाहे। शादी पर जाने से पहले हमने देव दिवाली मनाई और दिए प्रज्वलित करे। और ये देखो हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं बाबा जी को, हैप्पी बर्थडे बाबा जी। हमने दिवाली देव दिवाली बनाई, लाइटें लगाई, तुलसी पे दिया जलाया और ये सब करके हमने एक दो फोटो खिंचवाई। हम सब जा रहे हैं शादी पर। जो हमारे बिल्डर भैया हैं जिन्होंने हमारा मकान बनाया, उनकी बिटिया की शादी है। चलिए आप हमारे साथ वहाँ पर चल के मिलते हैं शादी में। ऐसे बल्ले 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 शादी 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 देखो हम ब्राइडल के साथ हमारी फ़ोटो खींच रहे हैं। और हमारी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है दुल्हन के रूप में, बहुत ही प्यारी छोटी सी स्वीट सी डॉल लग रही थी। और फिर हमने फ़ोटो शूट करके हमने खाना खाया और जो खाना लवली को बहुत अच्छा लगा, खाना सच में बहुत अच्छा था। उन्होंने बरातियों का स्वागत भी बहुत अच्छे ढंग से करा। देखिए लगा दी।
चिपकली ये देखो मम्मी चिपकली सुनो दे यार चिपकली इतनी मोटी इतनी बड़ी चिपकली भी डर रही है मार डंडा ऊपर डर के गिर गई बाहर गिर गई अरोड़ा जी आप क्या बन गए आज ज्योति बन गए अरोड़ा जी ज्योति कैसे बन गए आज ज्योति बन गया कैसे ये देखो माथे पे बिंदिया और सिंदूर चमक रहा है आपका लवली के काम लवली का जरूर लवली के काम नहीं लवली नहीं करती ऐसे गंदे काम सुन दो मेरे को नहीं आपने बिंदी लगाई क्यों मेरी हैं मैंने नहीं लगाई यार क्यों झूठ बोलते हो वैसे बिंदी अच्छी लग रही है आपको लगाई रखो बेटा सदा सुहागन रहो सब जानता हूँ तू बोलेगी अब उठ के बर्तन धोवा सदा सुहागन रहो बोल के जाओ बर्तन धोवा सदा खुश रहो बहुरानी मेरी खुश रहे मेरी बहुरानी जाओ पचा मार क्या हूँ बहुत मार क्या हूँ नहीं नहीं सो जाओ सुबह बिंदी बिंदी सुबह सुबह बिंदी लगा के रखो बेटा अच्छे लग रहे हो तू ही लगा बिंदी अपनी मूछो वाली बहुरानी मूछो वाली बहुरानी अच्छी लग रही है मेरी बहुरानी प्लीज़ एक लाइक का बटन तो दबा देना बस बटन ही तो प्रेस करना बटन प्रेस करोगे अगर तो सब्सक्राइब भी कर देना लाइक भी कर देना थैंक यू